नमस्ते जी सबको। तो अभी डॉक्टर्स वगैरह बताएंगे अभी आगे का क्या था क्या नहीं था, है ना। तो ये सारा कुछ अभी क्या आगे प्रोसेस रहा क्या नहीं रहा ये सब दिखाएंगे अभी आपको कैसा था। एंड ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं तो कभी नहीं भूलने वाला, भले ही हम हंसी मजाक वगैरह सब कर रहे हैं, पर मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम तो था ऑब्वियसली, स्टडीज़ से हो या फिर फैमिली का आगे हेल्प करना हो, क्योंकि मानो ना मानो यार बंदा अगर बेड रेस्ट पे आ जाए तो एक होता ही है, घर वालों को भी बहुत करना होता है। मेरे दोस्तों ने, उनके पेरेंट्स ने, पापा के फ्रेंड्स ने तो बहुत साथ दिया, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो सब लोग आए। बहुतों का मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो बस मिले, बातें होती रहीं होती रहीं, तो उस टाइम पे बंदा कैप्चर वगैरह सोचता नहीं ना इतना कुछ, तो वो भी है। चलो दिखाते हैं आपको। अब मयंक के पैर पे जहाँ दर्द हो रहा था, भाई साहब ने लगा लिया डिक्लोफेनाक। मेरे को भी दी थी अभी डॉक्टर ने, क्योंकि ऊपर मेरे को जहाँ पे चोट लगी है उसके ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा था। तो अब भाई साहब ने ये तो बताया नहीं, थोड़ी सी रगड़ भी लगी हुई है, अब रगड़ लगी हुई है उस पर लगा रहे हैं डिक्लोफेनाक तो जलन तो होगी। तो अब ये इनके हाल हैं। अब मैं बताओ ऐसे बंदों को क्या ही समझाए, कोई समझाए तो क्या समझाए। इतनी अक्ल तो होनी चाहिए अगले में कि भाई थोड़ा सा अगर जलन हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान से कर ले, क्या नहीं। ढांडिया है ये तो बड़े मजे में बैठा है, ये इसकी दोस्त हंस रही है, ये तो चलो इसके बारे में मुझे बोलना ही नहीं है। ये बंदा इस पूरे ब्लॉग में सिर्फ खाते हुए दिखा है और इसको शर्म भी नहीं आ रही। चेहरे पे जो शर्म होती है ना वो आ भी नहीं पा रही है। बहुत ही गंदा आया इन रात वीडियो में। मानसिक रूप से पूरा विकसित, जब सारा कुछ सोच की फर्क है। जैसे घर में नहीं करते कि बच्चे को सारा कुछ तेरे को दे दिया, अपने बढ़ने का अच्छा स्कूल दे दिया, फैसिलिटी दे दी, उन्हें दिया ना। अभी तो मुझे ये वाली बात को दिख रही है, साथ ही स्टे करो। डॉक्टर आएगा नहीं क्या? 8 बजे ये शर्म इंसान है, मैं आप बंदा बीमार बैठा है और ये क्या खा रहा है, पिज्जा और पेप्सी। ठीक है, यहाँ बंदे की टांग टूटी हुई है खान। और ये शख्स ऐसा है जो आराम से चिल मूड में खा रहा है। चिल मूड में नहीं, देख लो इसकी हरकत। डॉक्टर साहब आ गए हैं, ओ मुझे रे रहा कह रहे हैं कि हम सही कर देंगे आप, क्या नहीं। कैमरा कॉन्शियस इंसान है, जूस लाया भाई। तो यार अभी तो समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत है हमारे यहाँ के टाइम। हमने भी जल्दबाजी का तो कोई दिक्कत नहीं है, अराउंड 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। 2-2.5 घंटे हैं और आधे घंटे की हमारे यहाँ होएगी। तो रोटरी हॉस्पिटल आए हुए थे, रोटरी रोट्रैक से तो बहुत है अपना दिल लगा हुआ है, 3 साल रोट्रैक में काम किया हमने भी। अभी भी लोग तो जुड़े हुए हैं रोड ट्रैक में जा रहे हैं ना। चलो फिर कराते हैं, भूख लग रही है। पर हमारा ही डिपार्टमेंट रोटरी वाला। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। अभी तो हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, क्योंकि अब बैठे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट होगा आज, शायद सभी रिपोर्ट आएगी 2-2.5 बजे। कल MRI वगैरह फिर आने गए थे, अभी अखिल और केतन भी आ रहे हैं, आखिरकार अब जाके बेल्ट आ ही जाएगी। गए थे खाने के लिए, मना करा हुआ अभी सुबह से तो कि खाना पानी नहीं करना, कि अगर ऑपरेट हो तो फिर उस चक्कर में कह देते हैं। मम्मी भी यहाँ पे है, मम्मी से हाय। हेलो।
भी आ गए हैं, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, ट्रिप लग गई है, वेट है डॉक्टर साहब का और रिपोर्ट का जी। तो बस फिर अब चलने वाले हैं। ओए होए 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 जन की हाल चाल ने तुहाडे? ए देख लो डॉक्टर साहब को कहां पे लगी मार तुमने? ये लगी यार पैर में, कुछ नहीं है। सिंगला साहब आ गए हैं, हो जाएगा ठीक। ओके तो मेरी बेल्ट आ गई, मेरी बेल्ट आ गई है। इस बेल्ट के चक्कर में इतना कुछ हुआ है। हैं चाबी भी आ गई मेरे ऊपर। ओए होता रखता है थोड़ा, कुछ नहीं हुआ यार ये अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। मैं क्या देख पीछे हो जाऊं? इसके तो ऑपरेशन के लिए अभी थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, शाम के 5 बजने वाले हैं। सुबह से तो अभी बिना खाना पानी के रखा हुआ, ग्लूकोज चढ़ गया था। हमें शुक्र आ रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। और अभी थोड़ी घबराहट है, उन्होंने कहा चीज़ा पड़ेगा और फिर नर्स चलेंगे। क्या ये बदरन मेरी साथ है, टेंशन तो भाई साहब दिक्कत एक साथ ही आती है ना। सुबह से खाना पानी तो बंद करा हुआ था, सिर्फ वो चल रहा था अपना ग्लूकोज, वो भी 2 बॉटल्स लगी थी। पर अभी डॉक्टर्स ने एक बार वापसी श्योरिटी के लिए वो खोला था, क्या कहते हैं, पैर वगैरह के सारी पट्टी वगैरह हटाई थी, तो उसमें वापस सूजिश शो हो रही थी, कम नहीं हुई थी उस लेवल पे। तो फिर उन्होंने डिले कर दिया, अब कल होगा। अब बढ़िया बढ़िया खाना मंगाया हुआ, मैं कहा जी मैं तो मस्त खाना खाऊंगा, कल वैसे ही दर्द होने वाला वापस से, तो इससे अच्छा ही अच्छा अच्छा खाना खाएं। शुभम भी यार रुका हुआ था तब से अब तक की, क्योंकि उसने परमिशन ले ली थी कि अपन वो करा लेंगे, कि वो अंदर आ सकता था ना, क्योंकि उसने नर्सिंग का पूरा कोर्स कर रखा है और अब वो बाहर जाएगा शायद मास्टर्स के लिए। तो इस वजह से अब देखते हैं क्या बात बनती है आगे चल रहा है। वर्ल्ड अफेयर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे मैं कहा जलेबी पनीर, ये मयंक ने बनाया था, गार्लिक लच्छा पराठा, आज रज के खाते हैं।